हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वल्ला। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ स्पेशल सेंटेंसेस। जैसे कहते हैं ना, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना गलत है, जहाँ भी तुम जाओगे मुझे पाओगे, जब भी तुम यहाँ आते हो ना मुझे डिस्टर्ब कर देते हो। तो इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए हमें गाइस एक पर्टिकुलर वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना गलत है, अब जो कुछ भी के लिए हम लोग को इंग्लिश यूज़ करना वॉट एवर, वॉट है, और उसके साथ ई वी ई आर लगा देना, एवर हो जाएगा। वॉट एवर, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो गलत है, इज रॉन्ग। अगर हम इसे एक साथ बोलेंगे, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो गलत है। अब आपने देखा कि जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, तो अब आगे वाले सेंटेंस में आपको इट इज या दैट इज लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ सेंटेंस में सिर्फ इज मिला देंगे, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और एक सुटेबल और परफेक्ट इंग्लिश हो जाएगी। जैसे आपने बोला, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना गलत है। अब जैसे आपको बोलना है कि जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, जो कुछ भी, तो वॉट एवर। वॉट एवर आप एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वॉट अलग एवर अलग, और एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाई, जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, यू कैन बाई। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाई, तो यहाँ पे गाइस डू डज को पहले नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस नहीं है, इंट्रोवर्टेड सेंटेंसेस नहीं है ये। जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाई ये एक सेंटेंस हो गया, तुम खरीद सकते हो, यू कैन बाई ये दूसरा सेंटेंस हो गया। आप बीच में कॉमा लगा भी सकते हैं लिखने में, नहीं भी लगा सकते हैं। बोलना है तो आप एक साथ बोले, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाई यू कैन, जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। आपने देखा लास्ट सेंटेंस जो मैंने बोला, यू कैन, पूरा मैंने रिपीट नहीं किया वर्ड को, यू कैन बाई नहीं बोला। अब यहाँ पे क्योंकि पहले एक बार वाई यूज हो गया है, तो दोबारा बाई लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाई यू कैन, जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। दूसरा गाइस हम सीखेंगे आज, वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, जैसे कहते हैं ना, जब भी मैं वहां आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। वेन एवर आई विल कम देयर, वेन एवर आई विल विजिट देयर, आई मस्ट मीट यू, जब भी मैं वहां आऊंगा ना तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। अब यहाँ पे भी यही है गाइस कि वेन एवर जो है एक साथ लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेंटेंस वैसे यूज करना है आपको, जब भी आप यहाँ, जब भी मैं वहाँ आऊंगा, वेन एवर आई विल कम देयर, आई मस्ट मीट यू, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो वेन एवर का मतलब क्या हो गया गाइस, जब भी या जब कभी भी। जैसे कहते हैं ना, जब भी वो आता है मुझे डिस्टर्ब करता है, वेन एवर ही कम्स हियर ही डिस्टर्ब्स अस। अब देखा मैंने सेंटेंस का ख्याल रखा, टेंस जो पहले है वो जरूरी है। जैसे मैंने कहा जब भी वो यहाँ आता है, तो ता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वेन एवर ही कम्स हियर, कम्स यहाँ पे की यूज करा, ही के साथ कम्स यूज करा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग फ्रेंड, वेयर एवर। वेयर और एवर एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। जैसे आपने कहा कि जहाँ भी आप जाएंगे ना आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, वेयर एवर यू विल गो यू विल नीड इंग्लिश। जैसे आपने कहा कि जहाँ भी आप जाएंगे ना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इंग्लिश की वजह से। अब जहाँ भी आप जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस हो गया, जहाँ भी के लिए इंग्लिश हम पहले ऐड कर देंगे वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब हो गया जहाँ भी आप जाएंगे, यू विल गो, और आगे है आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इंग्लिश की वजह से, ड्यू टू इंग्लिश। अब इसे एक साथ हम लोग अगर बोलते हैं, वेयर एवर यू विल गो यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंग्लिश, जहां भी आप जाएंगे आपको इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो अब यहां पे आपने देखा, जहां भी जाएंगे तो वेयर एवर मैंने यूज करा पहले, जहां भी और जाएंगे फ्यूचर टेंस आ गया, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, थोड़ा सेंटेंस को एम्फसाइज करके बोल दिया, ठीक है। आज हमने सीखा वॉट एवर, जो कुछ भी, वेन एवर जब कभी भी, और वेयर एवर जहाँ कहीं भी। अब इसे आप सेंटेंसेस में यूज करें और बोलने में इसे अप्लाई करें। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप उसे इंग्लिश में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं मुझे। जैसे आपको बोलना है कि जहाँ भी तुम जाओगे ना, जहाँ भी तुम जाओगे उसकी याद तुम्हें परेशान करेगी, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा आपको बनाना है, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं आप उसे डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए या अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तीसरा सेंटेंस है, जहाँ भी आप जाएंगे आप मुझे याद करेंगे। तो ये तीन सेंटेंस आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और गाइस अपना कमेंट ज़रूर दें आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।